दोस्तों, सत्यनारायण कुशवाहा राजस्थान की धरती से प्यार भरा नमस्कार। और आज पहुँचे हैं मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में पहुँचे हैं ग्वादर घाटी पर। तो ग्वादर घाटी का नज़ारा दिखा रहे हैं आपको, देखो कितनी कम स्पीड में आ रही है ये। आपको दिख रही होगी ये इतनी भारी जाम है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ इस तरीके से। इतनी कम रफ्तार में गाड़ी चलती है क्योंकि घाटी बहुत तेज है, और इस घाटी को दिखाने के लिए मैं यहाँ पे रुका हूँ और शेयर कर रहा हूँ आपको। देखो कितनी संख्या में वाहन आए हैं जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इस तरह से ये इस तरीके से, और ये आगे भी वाहन है, देखिए ये इस तरीके से हैं, और बहुत ज़्यादा कम स्पीड में चलते हैं जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ये इस तरीके से, ये इधर से, इतनी भारी मात्रा में ये जाम लग जाता है यहाँ, गाड़ी नहीं चढ़ पाती है इस वजह से, क्योंकि गाड़ी चढ़ना मुश्किल हो जाता है। देखिए ये इतना भारी जाम लगता है, ये देखिए कितनी संख्या में वाहन निकला है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ये। और यहाँ पर अक्सर ऐसा ही नज़ारा रहता है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। और इतनी भारी जंगल के बीच में से होकर निकल रहा है ये रोड जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ये इस तरीके से है। और ये इधर एक पुलिस चौकी बनी हुई है जंगल में, और ये इस तरह का ट्रैफिक यहाँ बहुत ज़्यादा चल रहा है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ भारी मात्रा में। और ये इधर दिखाते हैं, इधर भी गाड़ियाँ आ रही है इस तरीके से, ये बहुत भारी, और लोडिंग वाहन अक्सर यहाँ पर निकल रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ है। कोई कोई गाड़ी तो बिल्कुल लल्लू गियर में चढ़ती है इस तरीके से, जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ये देखो ये गाड़ी कितनी आराम से आ रही है जो मैं आपको दिखा रहा, और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये गाड़ी आ रही है कितनी कम स्पीड में आ रही है। ये देखिए इतनी कम स्पीड है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ इस तरीके से। और ये इधर की साइड में मैं आपको दिखाता हूँ, ये इधर से फास्ट में आती है, जो भी गाड़ी आती है तो इधर से फास्ट में आती है क्योंकि इधर से ढलान है। और जो ये इधर का नज़ारा दिखाते हैं, ये देखो इतना ऊंची जगह है जो पहाड़ है, और ये पहाड़ क्षेत्र को काट के रोड निकाला गया है जो इस तरीके से है। और ये इधर से ये देखो इतना ऊँचा पहाड़ काट के निकाला, और यहाँ पर गाड़ियाँ आ रही है जा रही है। तो दोस्तों आज का वीडियो मेरा आपको कैसा लगा और कैसा नहीं लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ लाइक किया करो, कमेंट किया करो, और हो सके तो सब्सक्राइब कर दिया करो ताकि मेरा प्रोत्साहन बढ़ सके और मैं आगे से आगे नए वीडियो आपको अपलोड कर सकूँ और कुछ नया करके दिखा सकूँ। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँ कि जो आपत्तिजनक रोड होते हैं तो उस पर कृपया धीरे चला करो, आगे पीछे दाएं बाएं, ये सड़क की सुरक्षा के नियम के अनुसार चला करो। और इस तरह से जो मैं वीडियो को करता हूँ, मैं आपका दोस्त सत्यनारायण, धन्यवाद, थैंक यू जी।